तो गाइज ये देखो लड़कियां अपनी थार क्यों रखी है, फैन थार के आगे खिंचवा रही है फोटो है। तो गाइज ये सही है, पहले इन्होंने फोटो खिंचवाई ब्लू के आगे, अब ये फोटो खिंचवा रही है लाल के आगे। नाइस यार, लिटरली मतलब मैं ब्लॉग बना रहा हूँ ठीक है, बीच रोड में एक बंदा रोड में चल रहा है, उसको बचाने के चक्कर में मैं राइड लेता हूँ और इधर ट्रक जो खत्म ही नहीं होता, जो भाई ट्रेन के तीन चार डिब्बे जितना लंबा भाई उतना लंबा ट्रक भाई सामने से निकला। और जो भी टॉप थ्री बेस्ट कमेंट्स होंगे आज से मैं डेली अपने ब्लॉग के आखिर में पढ़ूंगा, तो प्लीज कमेंट मारना ना भूलना। सो व्हाट्स अप गाइस, सारे वेलकम टू माय ब्लॉगिंग चैनल, आई होप सारे बहुत अच्छे हो गए। आज मेरे साथ थोड़ा कांड सा हो गया, हर वक्त ही होता है भाई, मेरी जिंदगी तो जेठालाल जैसी हो चुकी है। एक्चुअली मैं अपना कैमरा तो लेकर आ गया हूँ, कैमरा मेरा ये पड़ा है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं कैमरे में बैटरी डालनी भूल चुका हूँ, बिकॉज रात को ना मैंने पूरा रूम साफ करना था, तो आधा रूम साफ करके मैं रुक गया, क्योंकि यार रूम में ना बहुत कुछ है जो अभी चेंज होना है। तो अभी जब मेरी मम्मा आएंगी, क्योंकि कपड़े भी पड़े हैं, तो उनके साथ बैठ के सारा मैं कर दूंगा। जब कल बहुत लोगों ने देखा होगा कि भैया जो बाइक पे ब्लॉग होते हैं किस टाइप से होते हैं, जिन लोगों को नहीं पता व्हाट इज मोटो ब्लॉग, और जिनको पता है वो लोग तो देख ही रहे हैं। सो गैरी यार, व्हाट डू यू प्रेफर, थार और बाइक? आजकल तो बाइक यार पर्सनल है ना, बट मेरे को दोनों सही लगते हैं। आई फील कर नहीं यार, मोटो ब्लॉग इज कूल मैन। मेरे पीछे ये जो मशीन है, मैं इससे वो मार रहा था, बेंच डिप्स मार रहा था, मेरे से 60 वेट करके भी नहीं लग रहे थे, अब मैं फ्री हैंड मार रहा हूं, आई डोंट नो हाउ। तो गाइस इसका वर्कआउट इज डन, और जब से थोड़ा बहुत वेट लॉस हुआ है ना, 3-4 किलो का फैट लॉस हुआ है, तब से ना एनर्जी लेवल भी थोड़े नीचे जाने लग गया है, बट आई स्टिल ट्राई कि हाँ भाई एनर्जी लेवल ऊपर रहे। तो अभी हम आए हैं पैसिफिक हिल्स, यहाँ पे एल्थम बेकरी है, एक बिल्कुल सामने अगर दिख रहा हो तो राजू ऑमलेट है। पहले मैं जा रहा हूँ एल्थम, मैंने कल एल्थम का अंडा खाया था और एल्थम का अंडा है बहुत सेक्सी ऑमलेट, हम 4 अंडा को यहाँ से जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे उधर राजू ऑमलेट पे, फिर वहाँ से कहेंगे। ये अगर आपने दूध के साथ पी लिया भाई वो तो दिखा दे कौन सा है। तो गाइस ये देखो लड़कियां अपनी थार क्यों रखी है, फैन थार के आगे खिंचवा रही है फोटो है। तो गाइस ये सही है, पहले इन्होंने फोटो खिंचवाई ब्लू के आगे, अब ये फोटो खिंचवा रही है लाल के आगे। नाइस यार, सो अभी हमने एल्थम का ऑमलेट खाया तो हमें इतना ठीक नहीं लगा, और मेरे को लगता है कि इनका ऑमलेट बेस्ट होगा, मतलब दुकान ही अंडों के लिए बनी हुई है, इनका मेन प्रोफेशन ही अंडे का है, वो तो कॉफी की दुकान है, वहाँ कॉफी ही अच्छी है। एल्थम बेकरी फेल कर दी, तो कभी भी आप देहरादून साइड आते हो, यहाँ पैसिफिक हिल्स साइड आते हो, डू ट्राई लवली ऑमलेट, लवली ऑमलेट करो, डू ट्राई राजू ऑमलेट, इट्स क्रेजी मैन। भाई कौन सा वाला लिया हमने ब्रो अभी? ग्रीन चीज ऑमलेट, अमेजिंग। गाइस पहले तो आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जो लोग इतना 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 सपोर्ट कर रहे हैं कि मतलब मैंने 1.5 साल का ब्रेक ले लिया और अभी भी आप लोग मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, उनको तो मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और पिछले जो 2-3 ब्लॉग्स हैं उन पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, आई लव यू ऑल, आई नो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंसी, अब मैं इतना कंसिस्टेंट रहूंगा, जब आप 1 साल बाद मेरा चैनल देखोगे ना, आप लिटरली बोलोगे कि यार आई एम द प्राउड अर्ली सपोर्टर ऑफ साहिब नूर सिंह एंड वी गाइज विल रॉक टुगेदर मैन। एंड एक आज से पूरे 1 साल बाद एक ऐसा मीटअप करेंगे कि मतलब भाई बस जाम करवा देंगे। देखो ये वीडियो रिकॉर्ड कर लो, 1 साल बाद नहीं बना तब भेज देना, कुछ बन गया तो भेज देना। सो गाइज इट्स 2 AM सुबह के एंड आई एम फीलिंग वेरी हंग्री, तो आज हम क्या कर रहे हैं, घर से स्नीक आउट कर रहे हैं, क्योंकि आज मैं ऊपर वाले रूम में सोया था, मैंने आपको बताया था कि मेरे रूम में दीमक आ चुकी है, तो आज हम सो रहे हैं ऊपर, और अभी मैं जा रहा हूँ अवलीन को लेने, और अवलीन को लेने के बाद हम जाएंगे मंडी कुछ खाने। गाड़ी का जो टायर है ना वो पंचर होने वाला है, तो रास्ते में कोई दिक्कत ना हो जाए, बाकी ठीक है जो होना है वो तो हो गई। भैया एक प्रोटीन बना दो भैया, ये भाई से प्रोटीन बनवा रहा हूँ, मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने कितने बजे रात को बचानी भाई, सीट बेल्ट लगा ले ब्रो, रात को 12:36 पे प्रोटीन पी रहे हो भाई, तो सीट बेल्ट तो लगा, प्रोटीन वही लगा रहा हूँ, सीट बेल्ट देखो तरीका देखो मेरा, सीट बेल्ट ये वाला बना दूँ कौन सा, ओ भाई प्री वर्कआउट पिएगा शाम का तो उतरा नहीं अभी मेरा। पहले हम मंडी जा रहे थे बट हमें अभी क्या बोला पहले अभी हम मंडी जा रहे हैं और हमें वो नहीं खाने टमाटर प्याज, तो अभी मैं इसलिए प्रोटीन पी रहा हूँ, बाकी मेरा भाई कह रहा है इसको चांप खानी है, तो हम चांप खाने जा रहे हैं, मैं तो खाऊंगा नहीं चांप, बिकॉज चांप में होती है मेरे घर में पड़ी है, सोयाबीन क्या चांप पड़ी है, कहाँ से लाया था, बहन लेके आई थी, बढ़िया बढ़िया थी यार, छोड़ो मैं नहीं खा रहा भाई, जवान आपके लिए तो क्या ही, मेरी जवान चल गई तो फिर रुकती नहीं है, जवान ऐसे भागती है फिर तगड़े तरीके से भाई दिल्ली चल रहा है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, आज हमारा हम तीनों का सिस्टम ऑफ हो जाता, लिटरली मतलब मैं ब्लॉग बना रहा हूँ ठीक है, बीच रोड में एक बंदा रोड में चल रहा है, उसको बचाने के चक्कर में मैं राइड लेता हूँ और इधर बाइस्टर ट्रक एक होता ना ट्रक जो खत्म ही नहीं होता, जो भाई ट्रेन के
तीन चार डिब्बे जितना लंबा भाई, उतना लंबा ट्रक भाई सामने से निकला। मैं मतलब लिटरली इतने इनसे बचा, इतने इनसे मतलब फिर कल से जो ये डेली व्लॉग चल रहे थे ना, ये आज 60वें व्लॉग पे एंड हो जाता सब कुछ। सबसे पहले आप जाते हैं आपकी साइड भाई, मेरी तो गाड़ी रगड़ जाती भाई, पूरी रगड़ जाती है। साथ में भी घसीटता हुआ लेके जा रहा था, उसे पता भी नहीं लगता। फिर उसके बाद में टाइटल डालता थार में मान ली हार। चलो ब्रो बच गए भाई, बच गए भाई। ये खुद तो गिरेंगे, ये साथ में जो यात्री ट्रैवल कर रहे हैं ये भी पलटाएंगे सारे। ये कैसे चल रही भाई, झुकी झुकी, ये कहीं भी पलट सकती है, मजाक की बात है। ओए ओए क्या हो गया ब्रो, मेरी को फाड़ दी। क्या हो गया भाई, मुझे लगा मेरे पे बस का पलटा। कैसे चल रही है भाई ये, भाई आज कोई जाएगा भाई। तो गाइज आज ना हम बाहर घूमने आए थे, तो मेरे को पता लगता है कि देहरादून में 24/7 स्टोर भी है, एंड मेरे घर के पास ही है बिल्कुल। सो दिस इज ओम रोज, एंड ये 24/7 खुला रहता है, बिल्कुल भी बंद नहीं होता। तो मेरे भाई ने मेरे को बताया, भाई हम तो देहरादून में रहते हैं सारा दिन घूमते, बट हमें पता ही नहीं है, बट यहाँ पे एक स्टोर खुला है ना, इट्स वेरी गुड। भैया सारा टाइम ही खुलता है ना जी, बंद नहीं होता नहीं। तो भाई देखो बहुत सही सीन है, तो यहाँ पर हम बैठ के आराम से कॉफ़ी कॉफी पियेंगे, और यहाँ पे मतलब स्टोर 24/7 है, वेरी नाइस। देहरादून में ऐसी चीज़ों की जरूरत थी। Look guys, who is here? Yo. भाई मैं आपको genuinely बता रहा हूँ, अभी हम यही बात कर रहे थे कि अगर हमारे साथ पीछे कोई गधा भी बैठेगा ना, गधा, और उसने हमारी बातें सुन ली, वो इतना मोटिवेट हो जाएगा, इतना मोटिवेट हो जाएगा, वो कहेगा भाई मैं सारे काम छोड़ के अपनी अपना कोई ना कोई गोल बना के फॉलो करना स्टार्ट कर रहा हूँ। अब क्या सीन था भाई, क्या होता जब मैं अकेला अकेला घूमता ना, कहीं बार जब कोई मन नहीं करता, मन उदास होता है, कुछ होता, तो कहीं मैं ना डीमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे अब ये भी था, इसने भी सोचा था सुबह एडिट करूंगा या जो भी, अब ये यहाँ से जा रहा है। करो साहिब भाई, और अभी बज रहे हैं ढाई, घर जाते सब ब्लॉग एडिट करना है। पहले ब्लॉग एडिट होगा, 6 बजे तक अपलोड होगा, फिर सुनूंगा। और मैं सही बताऊं भाई, हम दोनों जब साथ घूमते हैं ना, मतलब लिटरली बता रहा हूँ, कोई हम ऐसी फालतू बात नहीं कि लड़कियों की बातें कर रहे हैं या पार्टियों की बातें कर रहे हैं, ये तो भाई मतलब हमारे डिक्शनरी में ऐसे वर्ड्स है ही नहीं है। या तुम ज्यादा ही अनकूल है या हम ज्यादा ही कूल है भाई, ये करके ये कैसे करना, ये कैसे होगा, यहाँ से हम कैसे ग्रो करेंगे, मतलब पिछले 2 हफ्ते से ऐसी बातें चल रही, कैसे बॉडी बनेगी, कैसे क्या होगा, मतलब फालतू कोई बात नहीं होती। क्या प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं, कितना पैसा कमाने वाले हैं, कितने नंबर्स होने चाहिए, और कहाँ होना चाहिए हमें अगले साल तक नहीं, अगले 2-3 महीने में। अच्छा सुबह भी मैंने ना गैरी के एक व्लॉग में एक चीज़ बोली थी कि यार बंदा ना सक्सेसफुल YouTube या अपने करियर में बाद में होता है, बंदा पहले सक्सेसफुल अपने माइंड में होता है। जैसे आज मैं आपको बोलता हूँ कि भाई मैं करके रहूँगा, बॉडी बना के रहूँगा, मैं YouTube पे सब्सक्राइबर्स खींच के रहूँगा, इससे पहले मैंने ये भी बोला था कि 1 साल बाद मैं इतनी भीड़ इकट्ठी करूँगा और करके रहूँगा, फिर कह रहा हूँ रिकॉर्ड भी कर लो, तो पहले बंदा ना अपने दिमाग में विजुलाइज करता है, उसके बाद बंदा रियलिटी में उस चीज़ को करता है। एंड मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, ये नहीं कि आप विजुलाइज कर लो, रात को रो सो रहे हो और जल्दी सो के सोचो ड्रीम कर रहे हो, तो दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स, बट Visualizing, then taking an action, working on it, उसके बाद result show up होने शुरू हो जाते हैं, because if you also expect too much, that is also bad. Yes, good night. Good night. कह रहा हूँ ज़्यादा motivation हो गई। अभी भाई edit करने ना जाके यार। हाँ हाँ हाँ। बाकी trust me यार, आज मतलब बहुत अच्छा हुआ, अभी हम मिले थे, हम किसी reason से मिले, हमने कहा चलो यार गेड़ी गुड़ी मारते हैं, मैं 24/7 गया था, आपको भी देखा आपने भाइयों को छोड़ के, तो मैंने इसको बुलाया, मैंने चला गेड़ी गुड़ी मार के आते हैं, उठा हुआ था। तो बाकी अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, अच्छा लगता है आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, प्यार करते हो, और जरूर कमेंट करके बताना कि तुम्हारे भाई की आपको एनर्जी कैसे लगती है, और जो भी top 3 best कमेंट्स होंगे आज से मैं डेली अपने ब्लॉग के आखिर में पढ़ूंगा, तो प्लीज कमेंट मारना ना भूलना। लव यू गाइस।